स्टार्स और इतने गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर नहीं है, तो क्या अच्छा था कि हम लोग इस पीएसएल को पिंडी कराची से अपने बाकी छोटे शहरों मुल्तान और रावलपिंडी तक भी ले जाते या पेशावर को भी इंट्रोड्यूस करा देते? एक ये सवाल है। दूसरा एक सवाल के लिए मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, जो लीग्स बनती हैं ना दुनिया में, वो लोकल प्लेयर से बनती हैं। ये तड़का लगाने के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, और फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े नाम तभी आएंगे जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। सो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है, और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती हैं। ये हमारे नेबरली कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है और सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो अवेलेबिलिटी भी है, बट फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी जो लीग ऊपर जाती है दुनिया की, वो अपने प्लेयर से जाती है। अब जो ऑस्ट्रेलियन लीग है, बिग बैश, उसमें दो ओवरसीज प्लेयर सिर्फ इन्वॉल्व हैं हर टीम में। सो मतलब उनके कितनी 6 टीम्स हैं, तो 12 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ वो लीग जो है वो मशहूर है। सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि जब तक के फॉरेन प्लेयर्स बड़े नहीं आएंगे, हमारी लीग ऊपर नहीं जाएगी। गलत बात है। ऐसी है कि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया था, तो हम दोबारा से यहाँ पे टीमें बुलानी शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एहसास से कमतरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। सो बाकियों को यहाँ आके खेलने का मज़ा आना चाहिए। एंड बाय द वे, दुनिया की सबसे बेहतरीन ये फास्ट बॉलिंग की लीग है, ये आप याद रखें। आप किसी भी फॉरेन प्लेयर से पता कर लें, वो सब रेट करते हैं हमारी बॉलिंग को। छोटे शहरों में मैचेस का असल में वही बात है कि इतना जल्दी ये हुआ, असल में लेट कर दिया हमने हर चीज़ जो है। ये बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, मेरे पहले से ये सारी चीज़ें सेटअप करके और ऑप्शंस क्रिएट हो जाने चाहिए थे। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान है बड़े शहरों में लॉन्च करना, बट आगे चल के तो मैं तो चाहूँगा कि हर फ्रेंचाइज के घर में हम खेलें। सो उसके ऊपर भी नेक्स्ट सीजन में देखेंगे, वो कॉस्ट बढ़ जाती है, बट डजंट मैटर। कप्तान जी, मेरे सवाल का जवाब आपने एज ए चेयरमैन नहीं देना, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट देना है। आज आपने पूरी देखी ड्राफ्टिंग, आपको किन टीमों में दमखम नजर आ रहा है और कौन सी आपकी चॉइस फाइनलिस्ट टीम में? यार ये तो बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है। मैं मतलब मैं एक को कह दूं, बाकी 6 मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बट ये कि देखिए, लाहौर कलंदर्स की हमेशा अच्छी टीम लगती है, और वो अलग बात है कि रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं, बट इस दफा फिर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो एटलीस्ट ऑन पेपर। सर, सबसे पहले बड़ी अचीवमेंट है ड्रॉप एंड पिचेस की, उसके पहले आपको मुबारकबाद। मेरा सवाल ये है कि वसीम भाई आए थे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने मैंने उनसे सवाल किया कि पीएसएल फ्रेंचाइजेस ने जो कैटेगरीज बनाई हैं, तो वो उनका कहना था कि हम 6 साल कैटेगरीज बनाते रहे, इस साल पीसीबी ने बनाई है। तो मैंने उनको कहा कि क्या रमीज भाई ने बनाई है, तो उनको उन्होंने ये कहा था कि पीसीबी रमीज राजा, रमीज राजा पीसीबी है, तो मे बी सही बात है। इसमें तो क्या सर, आपने विकेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया और उन काम को, उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जो शायद निकले कर लो से, लेकिन एक चीज जहाँ पर हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं वो है हमारे स्टेडियम, वो चाहे कजाबी स्टेडियम लाहौर हो या नेशनल स्टेडियम कराची, आउटडेटेड लगते हैं। तो इसके ऊपर फास्ट ट्रैक पे काम करने का प्लान बनाया? देखिए जी, ये जो पिछले जो थे यहाँ पे जगह पे, मेरी जगह पे थे, उनको इन चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये अब शुरू करते हैं तो ये 5 साल की गेम बनती है। सो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से करीबन 10-20 साल पीछे हैं, इफ़ नॉट मोर। सो इसको ठीक करेंगे, जो भी हो सकता है कोशिश करेंगे कि कोई जगह मिले जहाँ पे ब्रांड न्यू स्टेडियम हम 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बना दें, मगर इसकी रिफर्बिशमेंट तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स का मसला रहता है, कैपेसिटी बड़ी कम है। पाकिस्तान टीम इसी तरह से जीतती रहे इंशाल्लाह, तो ये तो गुलबर्ग की जो आपकी लोकेलिटी है, ये नहीं, इसके लिए काफ़ी नहीं होगा कदाफी स्टेडियम, 18,000 या 20,000 की कैपेसिटी है। सो बहुत पीछे हैं। रमेश भाई, खासकर इस ड्राफ्टिंग की जो कैटेगरीज हैं उनको लेके काफ़ी बहस हो रही है कि पीसीबी ने बनाई है, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या सीनियर्स प्लेयर जो हैं उस पर खासे खफा नजर आ रहे हैं? कामरान अकमल ने भी अभी थोड़ी देर पहले अपने यूट्यूब पे विड्रॉ कर लिया पीएसएल के सीजन से, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी में। मैं आपको बताऊँ जी, हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हमने उन प्लेयर्स की, एक तो 7 साल हो गए हैं इसको, 7 साल में जो पहले साल का सुपरस्टार है वो 7 साल जो है मतलब है आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, एक तो ये है। दूसरा, हमने देखना है पाकिस्तान को
कौन सर्व करेगा, हमारा फ्यूचर जो है वो किन किन प्लेयर्स के हाथ में है, और फिर जो रेगुलरली खेलते हैं उनकी आपको इज्जत करनी है, जिनका फ्यूचर है उनकी इज्जत करनी है। और नया दौर आ रहा है।